हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखेंगे स्लीव कटिंग और उसको जोड़ते कैसे हैं। काफ़ी बिगिनर्स जो होते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं और वो जोड़ नहीं पाते, मतलब जो फ्रंट का होता है वो बैक में जोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्लीव के लिए मैंने कपड़ा लिया है, तो ये फोर फोल्ड में मैंने रखा हुआ है। दो पीस ये हैं और एक फोल्ड ये है, यहाँ से पूरा ही फोल्ड है। एक कमेंट मुझे आया था कि जो कपड़ा है वो हमें कैसे लेना चाहिए, मतलब लंबाई में लें स्लीव के लिए या फिर चौड़ाई में लें। तो आप किसी तरीके से भी कपड़ा ले सकते हैं, लंबाई में भी ले सकते हैं और चौड़ाई में भी ले सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि जब फोर फोल्ड हो तो ये आपका जो चौड़ाई है फोर फोल्ड करके 10 इंच आना चाहिए, मतलब पूरा हैवी साइज बता रही हूँ, 10 इंच आना चाहिए। अगर आपका साइज कम है तो 8 इंच भी हो सकता है ये। तो इसमें जो लंबाई लेनी है मुझे स्लीव की, मतलब कोनियों तक लेनी है, तो कोनियों तक जो है 11.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके 11.5 हो गया, तो इसमें 11.5 नहीं बन पाएगा, 11 इंच ही तैयार हो पाएगा। तो 0.5 इंच ऊपर सिलाई में भी चला जाएगा और फोल्डिंग में भी, तो टोटल ये 12.5 आ रहा है स्लीव। तो यहाँ से बॉटम लेंगे स्लीव का, जो कि पूरे राउंड में 12 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे जो कि 6 हो जाएगा। और ये 1.25 इंच में मार्जिन का ले रही हूँ। यहाँ से जो है जॉइंट होगा ऊपर, ये 3 इंच हम नॉर्मली लेते हैं हर साइज में। फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूँ कि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम आप डिज़ाइन की वीडियो क्यों नहीं डालती। तो वैसे तो इस चैनल पे भी मेरे डिज़ाइन के काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, पर अभी मेरा जो एक और नया चैनल मैंने बनाया है स्पेशली डिज़ाइन का ही है। उसमें आपको नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, अलग अलग बहुत तरीके के मैंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं, और मेरे उस चैनल का नाम है नूर फैशन स्टूडियो। तो अगर आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार उसको देख लेना, उस चैनल को भी। तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि ये 3 इंच किस हिसाब से लिया है, और ये हर साइज में होता है। यहाँ से 3 इंच, कई लोग 3.5 इंच भी लेते हैं, तो ये 3 इंच मैंने लिया है। इसको मैं सीधा कर लूँगी, इसी से हमारी जो है शेप लगती है। अब मैं अपनी कुर्ती उठा लूँगी और इसका आर्म होल चेक करूँगी मैं कि कितना है। तो ये देख लीजिए, तकरीबन 9.5 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस तरीके से रखूँगी और 9.5 पे एक निशान लगा लूँगी, और ये मार्जिन के लिए। और अगर आपको कुर्ती कटिंग की वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पे मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी, आप देख लेना, मैं ऊपर आई बटन में लिंक भी दे दूँगी। तो इन निशानों को मैं इनसे मिला लूँगी और यहाँ पर शेप लगाएंगे हम इस तरीके से। फ्रंट की शेप थोड़ी ज़्यादा होती है ये, इस तरीके से। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये कट ज़रूर लगाएं आप। तो अभी हमें ये फ्रंट का भी कट करना है। पहले आप इसकी 2 लेयर कर लें इस तरीके से, ये 2 लेयर इस तरीके से कर लेना है। अभी ये 2 पीस हो गए। तो प्लेन कपड़े में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि उल्टे सीधे का हमें पता नहीं चलता। ये निशान जो मैंने लगाए हैं वो उल्टी साइड से लगाए हैं और जो दोनों अंदर हैं वो सीधा हो गया। तो अब ऐसे पहचाने कैसे, तो आप इस तरीके से उल्टे साइड पे ये क्रॉस का मार्क लगा दें, इस साइड भी और इस साइड भी, ये दोनों उल्टा हो गया और ये अंदर वाले दोनों सीधे हो गए। अब हम ये फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट की भी कटिंग हो गई। तो चलिए मैं आपको अटैच करना भी बता देती हूँ मशीन पे। तो सबसे पहले हम नीचे से फोल्ड करेंगे। अब साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। स्लीव को अब हम सीधा कर लेंगे। तो जो ये देखिए, मैंने दोनों स्लीव को सीधा कर दिया है। ये हमारा बॉटम है और ये सामने का कटा हुआ फ्रंट का ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको रख के देखना है। तो जो बिगनर से गलती होती है ना, जो ये फ्रंट का जो वो बैक में जोड़ देते हैं, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। स्लीव दोनों हमारी सीधी हैं, जो कुर्ती है हम उसको उल्टा करेंगे।
इसको मैं इस तरीके से हटा देती हूँ अभी। तो ये देखिए कुर्ती को जो है मैंने उल्टा कर लिया है, और ये हमारा सामने का गला है, ये हमारा बैक का गला है, और जो स्लीव मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था, ये देखिए ये फ्रंट का ज़्यादा कटा हुआ, ये भी ज़्यादा कटा हुआ, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। अगर मैं ये वाला स्लीव इसमें जोड़ देती हूँ तो ये फ्रंट का जो ज़्यादा कटा हुआ है ना, ये बैक में चला जाएगा। तो आपको इस तरीके से रखना है स्लीव को, ये फ्रंट का ज़्यादा कटा हुआ, और ये वाली जो स्लीव है यहाँ की, और ये वाली स्लीव यहाँ की। तो मैं आपको अभी एक स्लीव जोड़ के दिखाती हूँ। तो ये वाला तो इसी का होगा, तो ये वाला मैं इसमें जोड़ देती हूँ। सीधा स्लीव है हमारा, मतलब कि सीधा किया हुआ है मैंने, और ये इस तरीके से गले से जाएगा, और ये सिलाई से सिलाई मिलानी है हमें इस तरीके से, और अब पूरे राउंड में जो है हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने अटैच कर ली है एक स्लीव। तो और एक बात का ध्यान रखना है बस, कि खींचना नहीं है जब भी आप सिलते हो ना, उस वक्त खींचना नहीं है, स्लीव को भी नहीं खींचना और ये कुर्ती को भी नहीं खींचना। तो दूसरा स्लीव भी इसी तरीके से लगा लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।